इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक और सवाल जो 15 नंबर का है, जिसमें हमको डिस्कस करना है क्रोमोफोर और बाकी चीज़ें। तो क्रोमोफोर से स्टार्ट करते हैं। क्रोमोफोर क्या होता है? बेसिकली कि मॉलिक्यूल का वो वाला है पार्ट जो उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्रोमोफोर कहते हैं। बेसिकली जो यूवी रीजन होते हैं उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हम किसी कंपाउंड में हम क्रोमोफोर को अप्लाई करते हैं कि वो जो चीज़ जो पहले यूवी में थी वो विजुअल रेंज में आ जाए। सो क्रोमोफोर इज़ अ पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। कलर ऑफ ए मॉलिक्यूल कांट बी सीन विद अवर नेक आइज इन ए यूवी रीजन। सो क्रोमोफोर applied to shift wavelength UV to visible region. So any functional group or atom or a molecule containing electron responsible for absorption of radiation is called chromophore. Chromophore वो होता है कि जिसके पास electron हो और वो रेडिएशन यूवी विजुअल रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में क्या हो को मैं सक्षम हो, तो उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। जनरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बोनाइल हो गया आपका, COH हो गया, NO हो गया, या एमाइड हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्रोमोफोम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रोमोफोम। तो पहला टाइप का जो क्रोमोफोम है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार क्रोमोफोम, क्रोमोफोर। जो सिग्मा से सिग्मा स्टार क्रोमोफोर है वो उस तरीके के कंपाउंड में मिलता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और इस तरीके के ट्रांजिशन की रेंज होती है 150 नैनोमीटर। जैसे मैथेन 125 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, ब्यूटेन 135 पे। दूसरा है एन से सिग्मा स्टार क्रोमोफोम। अब ये तरीके का जो क्रोमोफोम है वो उन कंपाउंड में मिलता है जहाँ कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, और हेट्रो एटम में लोन पेयर हो। जैसे अल्कोहल है, एमाइंस है, एल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल एमाइन है, हैलाइड है। अब अगले किस्म का जो क्रोमोफोम है वो है पाई से पाई स्टार क्रोमोफोम। इस तरीके का जो क्रोमोफोम है उन कंपाउंड में मिलता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, बेंजीन 254 पे, हेक्साट्राइन आपका 314 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और फाइनली और आखिरी हमारे पास जो क्रोमोफोर है वो है आपके पास जिनमें कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, जैसे कार्बोनाइल हो गया है, थायो हो गया है, N2 हो गया, एजाइड हो गया, इस तरीके के कंपाउंड। अब आता है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होता है? ऑक्सोक्रोम का अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन वो क्रोमोफोम के कलर को और डीपर करते हैं और गहरा करते हैं। अपना कोई रंग नहीं होता उनका, लेकिन जब वो क्रोमोफोम के साथ अटैच होते हैं तो वो क्रोमोफोर के कलर को और क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि क्रोमोफोम खुद में कोई रेडिएशन एब्जॉर्प्शन रेडिएशन सो नहीं करता, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है तो वो क्रोमोफोम की रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की जो एब्जॉर्प्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। सो ऑक्सोक्रोमोफोम आर नॉट ए कलर प्रोड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप बट दे डीपर द कलर ऑफ क्रोमोफोम। तो हम कह सकते हैं कि जब उनको हम व्हेन सच ग्रुप आर बॉन्डेड विथ दे सिप लैम्डा मैक्स टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे आपके पास अल्कोहल है, OH है, OCH3 है, NH2SR है। अब हो गया कंजुगेशन की वजह से रेड शिफ्ट होता था। जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 175 पे है, अब इसके साथ कंजुगेशन बढ़ा दिया है, ब्यूटाडाइन सिस्टम कर दिया है, तो 217 नैनोमीटर पे वो पहुंच गया है। अब हो गया मेरे पास शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले बाथक्रोमिक शिफ्ट। बाथक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि लैम्डा मैक्स को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे ले जाएगा? पहली कंडीशन क्या है कि जब ऑक्सोक्रोमोफोम अटैच हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ या बेंजीन रिंग के साथ। जैसे देखिए बेंजीन 254 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, जैसे ही उसके साथ ऑक्सोक्रोमोफोम जोड़ दिया गया है तो उसका एब्जॉर्प्शन कितने पे 270 नैनोमीटर पे हो गया है। जैसे एमाइन एक और ऑक्सोक्रोमोफोम तो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। कंजुगेशन की वजह से भी रेड शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 175 पे और ब्यूटाडाइन आपका 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं डिक्रीज करूँगा तो होमो और लूमो का बीच का जो गैप है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस रेडिएशन को उस ट्रांजिशन को करने के लिए लेस एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब है अगला
है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसमें लैम्डा मैक्स आपका शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चले जाता है। पहला कॉज है कि इंडक्टिव इफेक्टिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, जैसे CH3CH 293 नैनोमीटर पे है, एक ये एल्डिहाइड हो गया, जब उसके साथ आपने CH3C डबल बॉन्ड और CH3 लगाए तो 279 पे, और इस तरीके से चेंजेस आपके आए। अब अगला है बाय लॉस ऑफ कंजुगेशन। जब मेरे पास जैसे एनिलीन था, एनिलीन आपका 280 नैनोमीटर पे आपका लैम्डा मैक्स शो कर रहा था, जैसे उसका एसिडिफिकेशन किया तो एनिलीनियम आयन बना। अब एनिलीनियम देखें, इसके पास लोन पेयर थे, अब इसके पास लोन पेयर नहीं, वो जो लोन पेयर थे वो रेजोनेंस में थे रिंग के साथ, लेकिन इसमें नहीं है, तो कंजुगेशन ख़त्म हो गया है। कंजुगेशन अभी इसीलिए 280 पे था, 254 नैनोमीटर पे आ गया है। अगर मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज़ करूँगा तो होमोलूमो का गैप बढ़ जाएगा, और जैसे ही मेरा होमोलूमो का गैप बढ़ेगा तो उस ट्रांजिशन को करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इफ़ेक्ट की बात करते हैं, हाइप्रोक्रोमिक इफेक्ट, जिसमें ई मैक्स मेरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप फिनॉल देखेंगे तो इसका ई मैक्स है 6200 पे, और आपका फिनॉल का जो आयन है, फिनॉलिक आयन, वो कितने पे दे रहा है, ये दे रहा है आपका 9400 पे दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ई मैक्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला जो है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो ई मैक्स होता है मेरा वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे नेफ्थलीन का आप देख रहेंगे तो 19,000 पे आ रहा है, जैसे ही उसके साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन कर दिया गया है तो उसका ई मैक्स कम होके 19,000 से कहाँ पहुँच गया है, 10,250 पे, 10,250 पे पहुँच गया है।